50 साल पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था इस देश में, जो सुप्रीम कोर्ट कहता था काल्पनिक बात है ये तो। राहुल, अखिलेश ये क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते उनके सामने, ये बच्चा है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं बहुत बड़ा बोल रहा हूँ, मुझे कोई फांसी दे देना, किसी में ताकत है तो, और तुम भी दे देना। आज तुम उनका नाम लेते हो हमारे सामने, हमें खून खौलता है हमारा उनके सामने, बस उनका नाम मत लो हमारे सामने। इस वक्त मैं राम मंदिर में मौजूद हूँ और हमारे साथ में यहाँ के लोकल जो लोग हैं, क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम योगेंद्र है। आप तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं अभी। गुस्से में नहीं, मैं प्रेम में बोल रहा हूँ। मैं उन जो लाखों लोगों ने यहाँ प्राणों की आहुति दी है, उनका दर्द मेरे अंदर बोल रहा है। और आज भी जो लोग छींटा कसी कर रहे हैं कि मंदिर में ये हो गया, मंदिर ऐसे नहीं होना चाहिए, मंदिर ऐसा नहीं होना चाहिए, आज भी जिनको शर्म नहीं आ रही इस बात को कहने में, क्या आज से 50 साल पहले वो नहीं थे? किन लोगों की बात कर रहे हैं? जो भी कोई मना कर रहा है, जो भी ये कह रहा है कि मंदिर गलत हो रहा है, मंदिर में ये गलत हो रहा है, मंदिर में ऐसा गलत हो रहा है, तो वो 50 साल से इस देश में राजनीति चल रही थी। 50 साल पहले ये देश आजाद हो गया था, लेकिन वो लोग कहाँ थे, क्यों नहीं मंदिर बनवाया उन्होंने? आपको भी सोचना पड़ेगा, हमको भी सोचना पड़ेगा, केवल पूछने से बात नहीं चलती। उनके लिए आपको भी धिक्कारना चाहिए उनको, ये हमारे थे ही नहीं, हमको तो केवल रूप बना करके ठगा जा रहा था। ये कालनेमी थे, कौन ठग रहा था? ये संत नहीं थे, कौन ठग रहा था? ये जो नेता थे हमारे, अच्छा, ये कालनेमी थे हमारे। और आज जो हमारे नेता आए हैं वो वास्तव में नेता हैं और वास्तव में हित करने वाले हैं, हमारा हित सोचने वाले हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं। और मोदी जी, योगी जी की मेहरबानी है जो आज भी ये मंदिर बन रहा है। नहीं, नहीं बनता आज भी ये मंदिर, मैं ये कह रहा हूँ। ये राम भक्तों की वजह से बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट पहले नहीं था, 50 साल पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था इस देश में, जो सुप्रीम कोर्ट कहता था काल्पनिक बात है ये तो, 20-20 जज और वकील खड़े होते थे उसी सुप्रीम कोर्ट में और ये कहते थे कौन राम, कैसा राम, कहां से राम, अरे भगाओ इनको यहां से, ये कहते थे वही जज। बाद में तो फैसला दे दिया ना उन्होंने, दे दिया तो हमारे हिस्से दे दिया ना, हमारे हिस्से दे दिया, मोदी जी के योगी जी के दम में था इसमें जब दे दिया। नहीं क्यों दे, 50 साल पहले क्यों नहीं दे दिया? मैं तो मोदी जी और योगी जी की जयकार करता हूँ, कोई भाई व्यक्ति कुछ भी हो, उन्हीं की कृपा से ये मंदिर बन रहा है और वो नहीं होते तो आज भी ये मंदिर नहीं बनता। जय श्री राम। 24 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? 24 का चुनाव में मोदी जी कैसे जीतेंगे? इंडिया गठबंधन बन चुका है। अरे भग जाए इंडिया गठबंधन पे, कुछ भी ना, ब्रह्मचारियों के आगे पर व्यभिचारी नहीं रुकते, वो ब्रह्मचारी है पता हो तो, ब्रह्मचारियों के आगे व्यभिचारी रुकता नहीं है कभी भी। हनुमान जी ब्रह्मचारी, अक्षय कुमार व्यभिचारी, एक ही गुस्से में जा पाओ, हम हनुमान जी के चेला है, मोदी जी हनुमान जी के चेला है, योगी जी हनुमान जी के चेला है, वो व्यभिचारी नहीं है, वो ब्रह्मचारी है, वो परमार्थी है, वो दयावान है, वो गुणवान है, वो बलवान है। उनके सामने ऐसे व्यभिचारी, राहुल, अखिलेश ये क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते उनके सामने, ये बच्चा है। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं बहुत बड़ा बोल रहा हूँ, मुझे कोई फांसी दे देना, किसी में ताकत है तो, और तुम भी दे देना। अरे वो क्रिश्चियन क्या करेगा? वो क्रिश्चियनों के लिए काम करते हैं, मुसलमानों के लिए काम करते हैं, हम तो उनके कुछ भी ना लगे, हमें तो पागल जाने। तो भारत तो धर्म निरपेक्ष है ना, क्यों धर्म निरपेक्ष है? ये कोई गौशाला है, ये कोई रंडीगर है, क्यों धर्म चला? पाकिस्तान कैसे बन गया है मुसलमान राष्ट्र? पाकिस्तान क्यों बन गया मुसलमान राष्ट्र? ये हिंदू राष्ट्र है, था और है, कौन कहता है वो है? ये कमजोर कहते हैं जिनमें दम नहीं है। संविधान सबको आजादी देता है। कोई संविधान नहीं है, राम जी है हिंदुस्तान का संविधान, राम जी है, कोई संविधान नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। पहले नहीं था, पहले राजा नहीं थे, पहले प्रजा नहीं थी, पहले किसको फांसी लगती थी? कोई किसी को नहीं मारता था। राम जी ने क्या कहा पता है? जब अयोध्या वहां से आके राजा बने तो ये कहा, क्या कहा? जो अनीति कछ बर जाऊं भाई, तो रोकऊं मोए भय बिसराई। अरे भैया, अगर मैं कोई अनीति की बात करूं तो मुझे भय बिसरा के रोक देना, मेरा ये भय मत मानना। ये बाली को मार के आया है, ये रावण को मार के आया है, ये बड़े बड़े योद्धाओं को मार के आया है, मेरा भय मत मानना और मेरे से खुल के कहना, हे राम तुम गलत कर रहे हो। ऐसा राजा, ऐसा राजा आज इनके सामने कोई बोल के तो देखे, राक्षसों के सामने इन राक्षसों ने गोली चलवाई है, खड़ागड़ खड़ागड़ मरे हमारे स्वयं कार सेवक। आज तुम उनका नाम लेते हो हमारे सामने, हमें खून खौलता है हमारा उनके सामने, बस उनका नाम मत लो हमारे सामने। तो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है उसे कैसे देखते हैं? प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, होगी, अच्छी टाइम पे हो रही है, सही टाइम पे हो रही है।
जो मोदी जी योगी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनमें जो गलत देख रहा है उनको जो गलत देख रहा है वो गलत है, उनको जो गलत देख रहा है वो गलत है, मैं तो ये बात कहूंगा। जो ओपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं जा रहे हैं, पहले तो होती आई है, दुष्ट कभी संत का सम्मान करते हैं? जी, 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 जी। अगर दुष्ट सम्मान करते संतों का तो विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण को ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? हुआ अगर दुष्ट ही सम्मान करते संतों का तो विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास क्यों आए? कहीं राक्षस की क्यों गए? तुम अपने छोरा ने भेज दो भैया, बालकों का दान मांगो, भीख मंगाई। जिसने अपने बालक राक्षस संत लड़ने को भेज दिए, बालक छोटे छोटे जाओ लड़ो, आज उन पे भी हम आरोप लगा रहे, हम तो बड़ो राक्षस, हमसे बड़ा दुष्ट, हमसे बड़ा दुराचारी, हमसे बड़ा पापाचारी, इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे राम पे भी हम दोष लगावें, ऐसे मोदी पे भी हम दोष लगावें, ऐसे योगी पे भी हम दोष लगावें, जिन्होंने अपना वंश नहीं चलाया, योगी जी ने अपना वंश नहीं चलाया हमारे हमारी रक्षा के लिए, यो मोदी जी ने अपना वंश नहीं चलाया हमारी रक्षा के लिए, आज उन पे आरोप, अरे दुष्टो भाग जाओ इस देश से, तुम्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, जो मोदी जी और योगी पर आरोप लगाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। 70 साल से सरकार नहीं बन रही थी, 70 साल से इस देश में सरकार नहीं बन रही थी, प्रधानमंत्री नहीं थे, राष्ट्रपति नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, क्या नहीं था बताओ? अब क्या हो गया? अब फट गई, अब फट गई, अब क्या करे? हो गया जो होना था, अब रो जी को कुछ भी करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखते हैं पूरा ये जो मंदिर में माहौल बन चुका है, यहाँ पर जो है सभी भक्त आए हुए हैं, दूर दराज से, मतलब भारत के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर जो है लोग आए हुए हैं, लोकल के अयोध्या के भी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, गुजरात, राजस्थान, तमाम जो राज्य हैं भारत के वहाँ से यहाँ पर जो है राम भक्त आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई इस समय की मंदिर की, कि कैसा इस समय मंदिर में माहौल बना हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा सूरज पटेल नाम है, हम पन्ना जिला से आए हुए हैं, और हमें यहाँ का आविष्कार ऐसा कुछ लगा कि ये ऐसे प्रधानमंत्री होना गजब हो गया, कि उन्होंने इतना आविष्कार, कितने प्रधानमंत्री हुए लेकिन किसी ने ये जलसा नहीं दिखाया, और उनने ये जलसा दिखा दिया। तो क्या देख लिया आपने? हमने इतना देखा कि लगता है कि यहीं हम जिंदगी काटते रहें, कहीं अब घर गृहस्थी सब छोड़ दें हम और यहीं बने रहें, ऐसा सुंदर इधर का दृश्य हमको लग रहा है, इसलिए कि ये सारी जनसन परमात्मा श्री रामचंद्र भगवान के चरणों की दुआ लेने के लिए त्राह त्राह होती है, और जहाँ उन्होंने जन्म लिया है तो हम तो अहोभाग समझते हैं, हम सारी अपनी जनता को, अपनी माताएं बहनों को बैठी हैं आपके सामने देख रही हैं, हमें तो बहुत सुंदर लगा है। आपका कैसा लग रहा है यहाँ का डेवलपमेंट कैसा लग रहा है? लग रहा है इतना सुंदर, क्योंकि मैं भी अपनी पन्ना जिला में एक शिल्प कलाकार हूँ छोटा सा, मेरे भी देश विदेश मंदिर जाते हैं और मैं बनाता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं जिंदगी काटते रहूं, लेकिन वहां मेरा भी आविष्कार चल रहा है, इसलिए श्रीमान जी तो में जा रहा। आप कौन सी बार आए यहाँ पे? अब मैं पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे कि हे परमात्मा, हे श्री रामचंद्र भगवान, हनुमान जी सरकार, आपकी लीला अद्भुत चमत्कार लीला है, बस धन्यवाद इतना ही कहना चाहता हूँ। और मतलब कहाँ कहाँ आपने दर्शन करे? अभी काशी अभी जाना है हमको, काशी बना रहे अभी, प्रयागराज से गए, पूछे थे आप जी अयोध्या में कब पहुंचे थे? अयोध्या बस अभी आज ही सुबह सुबह, हाँ हाँ दर्शन कर घूम लिया आप पूरे? बिल्कुल पूरे दर्शन कर चुके हैं, आनंद आ गया हमको बहुत।